नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले दीपों के पर्व दीपावली की बधाई सभी शहरवासियों को, और आइए नजर डालते हैं हेडलाइन पर। मंत्री रुद्र कुमार ने चुनाव आयोग सहित जिला व पुलिस प्रशासन पर लगाया गंभीर आरोप, कहा मेरे परिवार जानता अगर भी हुआ का जिम्मेदार पूरा सन। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की टिप्पणी को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा बीजेपी राजभवन के माध्यम से सब कुछ नियोजित करना चाहती है जो लोकतंत्र के लिए नुकसान। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरगुजा जिले के सीतापुर विधानसभा में चुनावी सभा को किया संबोधित, कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा ऐसा लग रहा है महादेव ऐप ने तय कर लिया है कि भ्रष्ट सरकार जानी चाहिए। और अब खबरें विस्तार से। सरगुजा जिले में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नया छत्तीसगढ़ बनाने का सपना अटल बिहारी वाजपेयी और पीएम मोदी सहित सभी ने देखा था। पीएम मोदी के आने के बाद 2 साल के अंदर ही रमन सिंह की सरकार चली गई, इसलिए पीएम मोदी का सपना नया छत्तीसगढ़ बनाने का काम पूरा नहीं हो सका। कांग्रेस की नई सरकार बनी और भूपेश बघेल सीएम बने, उनके सीएम बनने के बाद क्या हुआ आप सब जानते हैं। अब महादेव आ गए, ऐसा लग रहा है कि महादेव ने ये तय कर लिया है कि भ्रष्ट सरकार जानी चाहिए और भाजपा सरकार आनी चाहिए। अटल जी रहे हो चाहे आज मोदी जी, नया छत्तीसगढ़ बनाने का उनका सपना था अटल जी का, और यही सपना हमारे मोदी जी का भी है। लेकिन मोदी जी के आने के बाद 2-2.5 वर्षों के बाद ही रमन सिंह जी की सरकार चली गई, और इस कारण मोदी जी का जो एक नया छत्तीसगढ़ बनाने का सपना था मेरे बहनों भाइयों, वह साकार नहीं हो पाया। नई सरकार कांग्रेस की आई, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने। भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बनने के बाद आप जानते हैं क्या हो रहा है, 30% भ्रष्टाचार तो इस सीमा तक पड़ गया है, 30% तो सीधे सीधे ऊपर जाता है और नीचे जिसको जहां मिलता है वह केवल खाता है, यही हो गया है यहां की कांग्रेस की सरकार में। इसलिए मैं आज आप लोगों से अपील करने आया हूं कि भूखी भ्रष्ट सरकार, ऐसी भूखी भ्रष्ट सरकार आप लोगों ने कभी देखी नहीं होगी बहनों भाइयों, जैसी सरकार यहां पर है। 5 सालों से सत्ता का धंधा किस प्रकार से चल रहा है, और एक महादेव आए, महादेव जी आ गए, लगता है कि महादेव जी ने तय कर लिया है इस भ्रष्ट सरकार को यहां से जाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां आनी चाहिए मेरे बहनों भाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंजाब के राज्यपाल पर संशोधन विधेयक रोकने पर की गई टिप्पणी पर कहा कि चीफ जस्टिस ने जो टिप्पणी की वह बहुत गंभीर है, टिप्पणी करने वाले राज्यपाल अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी लगभग 1 दर्जन बिल राजभवन में अटका पड़ा है, बीजेपी सिर्फ राजभवन के माध्यम से सब कुछ नियंत्रित करना चाहती है और ये लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह है। लेकिन प्रदेश की लीडरशिप कहाँ है, वो तो गायब है। इसमें चीफ जस्टिस ने जो टिप्पणी की है वो बहुत ही गंभीर टिप्पणी है। राज्यपाल अपने अधिकार का मतलब दुरुपयोग ही कर रहे हैं, पंजाब कहें, तमिलनाडु में कहें, वहां भी टिप्पणी हुई, छत्तीसगढ़ में भी 1 दर्जन बिल अटके पड़े हैं और राजभवन में अटका हुआ है। तो ये भारतीय जनता पार्टी राज्यपाल के राजभवन के माध्यम से सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, ये देश के लिए, प्रजातंत्र के लिए नुकसानदायक है। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयां, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हां, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर
यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर भकंदर हाइड्रोसिल गुप्त रोग चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर भकंदर फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मल द्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा ना होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। मैया गुप्त रोग बवासीर भकंदर फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव गैंगरीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा गया नगर दुर्ग, मोबाइल नंबर 9981659182। भारतीय सिल्क एक्सपो 2023 हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी जो कि इन दिनों सूर्या मॉल के सामने ग्राउंड में लगी हुई है, शहरवासियों की पहली पसंद बनी इस प्रदर्शनी में 50,000 से ज्यादा वैरायटियां उपलब्ध है। त्योहारी सीजन में एक ही छत के नीचे 50,000 से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह उपलब्ध होने के कारण रोजाना हजारों की संख्या में यहां पर लोग पहुंच रहे हैं। श्री कृष्णा हस्तशिल्प ग्रामोद्योग समिति के तत्वावधान में लगी प्रदर्शनी में देश के विभिन्न राज्यों की विशाल श्रृंखला उपलब्ध है। जैसे बता दें, राजस्थान से जयपुरी बेडशीट, टोप राजस्थानी चुनर, सुपारी मुखवास जयपुरी सूट है, तो वहीं उत्तर प्रदेश से लखनवी चिकन सूट, कुर्ता पैजामा, शर्ट, बनारसी सिल्क साड़ी है। हरियाणा से बेडशीट, कवर नेट, खादी ड्रेस मटेरियल सूट आदि है, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली से हैंडलूम ड्रेस मटेरियल, फैंसी लेडीज टॉप, फैंसी लेडीज चप्पल, लेदर बैग, लेदर बेल्ट पर्स आदि है। तो साथ ही साथ कोलकाता से काथा सिल्क साड़ी, फैंसी ड्रेस मटेरियल, कोलकाता कॉटन साड़ी व टॉप कोलकाता जूट बैग है। महाराष्ट्र से फैंसी लेडीज चप्पल, स्पेशल कॉटन साड़ी एवं ड्रेस मटेरियल। तो साथ ही साथ गुजरात से बेबी ड्रेसिंग, दीवान सेट, गुजराती नमकीन, चनिया चोली, गुजराती टॉप आदि है। और बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर से कश्मीरी टॉप सूट, एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस, कारपेट, दुपट्टा, कश्मीरी शॉल है। तो कर्नाटक से कॉटन सिल्क साड़ी, चना पट्टनम टोयस, मैसूर अगरबत्ती, सूट पाचम पल्ली साड़ी आदि है। पंजाब से फुलकारी सूट, नाइट सूट, टी शर्ट, लेदर बैग। तो मध्य प्रदेश से चंदेरी सिल्क साड़ी, ड्रेस मटेरियल। बिहार से भागलपुरी सिल्क साड़ी, सूट, ड्रेस मटेरियल, मधुबनी पेंटिंग, आयुर्वेदिक हेयर ऑयल। हैदराबाद से नेचुरल पल्स, हैदराबादी मोती ज्वेलरी, हैदराबादी साड़ी, सूट, ड्रेस मटेरियल है। तमिलनाडु से विंडो कॉटन, डोर कॉटन, पिलो कवर, डोर मैट है। तो ओडिशा से क्रोएशिया बेबी सूट, टेबल मैट आदि है। इतना ही नहीं, सहारनपुर के खूबसूरत फर्नीचर सहसा ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। दुकानदारों ने ही बताया कि उनके पास किस रेंज के, किस वैरायटी के सामान उपलब्ध हैं। भारतीय सिल्क एक्सपो हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एकमात्र ऐसी प्रदर्शनी जिसमें एक ही छत के नीचे किफायती दरों पर हजारों वैरायटियां। तो देर किस बात की है, आप भी इस त्योहारी सीजन में अपने बजट के अनुसार मनपसंद खरीदारी करने भारतीय सिल्क एक्सपो अवश्य पहुंचे। हमारा पता भारतीय सिल्क एक्सपो, सूर्या मॉल के सामने, जुनवानी रोड, स्मृति नगर, भिलाई। अब टीवी देखना, सीरियल देखना, धार्मिक चैनल देखना, छत्तीसगढ़ी न्यूज देखना, छत्तीसगढ़ी गाने देखना और भी आसान। जी हाँ, ग्रैंड एशियन भिलाई आपके लिए लाया है एक शानदार पैकेज, ग्रैंड महापैक। जी हाँ, जिसमें आप पाएंगे 40 से भी ज्यादा HD चैनल, स्टार, जी, सोनी, कलर्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, मूवी, कार्टून, 40 लोकल चैनल, जिसमें 6 छत्तीसगढ़ी चैनलों के साथ सूफी टीवी, गुरबानी, कॉमेडी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, फिल्मी गाने, सभी भाषाओं के चैनल जैसे सिंधी, तेलुगु, तमिल, मलयाली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली एवं अन्य भाषाओं के चैनल्स। साथ ही साथ 3 लोकल न्यूज चैनल्स, ग्रैंड एशियन न्यूज, ग्रैंड न्यूज लोकल और ग्रैंड न्यूज राष्ट्रीय। तो जल्द इस ऑफर का लाभ उठाएं मात्र 350 रुपए में। जी हां, सिर्फ 350 रुपए में ये सारे पैकेजेस आपको दिए जा रहे हैं। तो आज ही संपर्क करें अपने केबल ऑपरेटर या ग्रैंड एशियन भिलाई ऑफिस। तो हमारा नंबर है 07884011778। आप जल्द ही संपर्क कर सकते हैं और इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं।
देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। जी हाँ, धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में खेतों में काम आने वाले हार्वेस्टर उच्च क्वालिटी व गुणवत्ता के दुर्ग कमला मोटर्स में उपलब्ध। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर 5C9500 डीलक्स मॉडल। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मशीन कृषकों की सुविधा का ख्याल रखते हुए अब हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। साथ ही साथ सभी तरह के हार्वेस्टर। हमारा पता कमला मोटर्स, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। तो देर किस बात की है। धरती सुनहरी अंबर नीला हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी उच्च गुणवत्ता के केस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केस का वादा, खर्चा कम काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, जी रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर 텐션 나노 시발로 नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं नर्सरी से कक्षा 8वीं तक। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निशुल्क प्रवेश स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए। इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है, पुस्तकालय सुविधाएं हैं, CCTV कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहां मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएँ उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हाँ, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर, उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर। चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग, रियल टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं, कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना,
साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। के बाद आप सबका स्वागत है। बेमेतरा जिले के नवागढ़ विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी एवं मंत्री गुरुद्र कुमार के काफिले पर हुए हमले को लेकर उन्होंने निर्वाचन आयोग, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मेरे साथ ये घटना हो सकती है तो मेरी माँ, बहन और पत्नी के ऊपर जान का खतरा है। गुरुद्र कुमार ने आरोप लगाया कि अगर मुझे या मेरे परिवार को कुछ भी हुआ तो जिम्मेदार पूरा प्रशासन होगा। मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगा, चुनाव आयोग हो या प्रशासन हो, पुलिस विभाग हो या जो भी हो, जब मेरे साथ ये घटना हो सकती है तो मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी वाइफ जो कि समाज की माता होती हैं, राजराजेश्वर होती हैं, अगर मेरे ऊपर ये सब हो सकता है तो पुलिस विभाग और चुनाव आयोग पे मैं आरोप लगा रहा हूँ कि हो सकता है अगर कुछ भी हुआ तो फिर जिम्मेदार ये लोग होंगे, पूरा प्रशासन। जी आप अच्छा प्रश्न किए। कुछ दिनों पहले हमारे पापा की गाड़ी जब दौरे से वापस आ रहे थे तो एक गाड़ी कट मारी थी उनको गंदे तरीके से, और उनकी गाड़ी पूरी पलट गई थी और चारों चक्के ऊपर। उस समय हमें लगा कि शायद हादसा होगा, पर जो हमारे साथ हुआ, मतलब ये जानबूझ के किया जा रहा, हमारे पापा के साथ हुआ, अब हमारे साथ हुआ, मतलब हमारे परिवार के ऊपर जान का खतरा है। शराबबंदी मामले में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने इस बार बीजेपी के साथ मीडिया को भी कोस दिया, जिसका वीडियो तेजी से वायरल भी हो रहा है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि 5 साल में बीजेपी और मीडिया के अलावा किसी ने भी शराबबंदी को लेकर सवाल नहीं पूछा। शराब दुकान खोलने के लिए कई जिलों के लोगों ने आवेदन दिया है। हम चुनाव के दौरान शराब बांटते हैं, बस्तर क्षेत्र में शराबबंदी कर ही नहीं सकते। चाहे बिलासपुर हो, चरगुजा हो, तुम्हारा जिला में मैं प्रभारी मंत्री था, मीडिया के अलावा और बोर्ड जनता पार्टी, ये दो लोगों के अलावा कोई नहीं पूछता। और दारू दुकान खोलो बोल के अपना कैसा दिया है, बंद करके बोल के मेरे को 5 साल में नहीं जाना, चुनाव में बोला है। और बस्तर में खास कर वो तो उधर बंदी होना ही नहीं है, हम लोग चुनाव में दारू बांटते हैं, कुछ नहीं करते, तो इसलिए बस्तर का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन इधर छत्तीसगढ़ में भी मेरे को कोई नहीं बोला है कि दारू बंद होना है, धमतरी की तीनों सीट में। इसी के साथ यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। दीपोत्सव का त्योहार है ये, पूरे देश में और विदेश में भी उल्लास के साथ मनाया जाता है, और हमारे छत्तीसगढ़ में चुनाव का समय चल रहा है, चुनाव के साथ साथ, चुनाव पर्व के साथ साथ दीपावली पर्व भी है। मैं सर्वप्रथम अपने सभी उपभोक्ताओं को
LCO को, MSO को, ब्रॉडकास्टर को, पूरे छत्तीसगढ़ में ग्रैंड विजन से जुड़े हुए सभी लोगों को, ग्रैंड न्यूज़ से जुड़े हुए सभी दर्शकों को अपनी ओर से बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। माता लक्ष्मी रानी उनकी हर मनोकामना पूरी करें, सबके व्यापार में बढ़ोतरी हो, उन्नति हो और माता रानी की कृपा सब पे बनी रहे। सबको दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महिला मोर्चा भिलाई की जिला अध्यक्ष, प्रदेश वासियों को धनतेरस, छोटी दीपावली, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज, पांच दिवसीय दिवाली पूजन की और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। पटाखे जरूर फोड़े लेकिन बड़ों की निगरानी में। आपको ये पर्व सुख और समृद्धि, संपन्नता आए आपके जीवन में। इसके साथ साथ एक और महापर्व 17 तारीख को होने वाला है, जिसमें आप अपना अमूल्य मत देके, योगदान देके आप राष्ट्र निर्माण में अपनी सहयोगिता, सहभागिता दें। आपका मतदान करना आपका हक है और सबसे पहला आपको ये काम करना है। आप ये मतदान का प्रयोग जरूर करें और देश को दशा और दिशा निर्धारण करने में अपना भी सेक्रेटरी उद्योग महासंघ दुर्ग भिलाई से हूँ और इस दीपावली के शुभ अवसर पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मेरी ये कामना है कि इस दिवाली माँ लक्ष्मी आपकी सारी मनोकामना पूरी करें, आपके घर सुख समृद्धि और धन की वर्षा होवे। और आप सबसे मैं अपील करना चाहता हूँ कि 17 नवंबर छत्तीसगढ़ में भिलाई और दुर्ग में मतदान है और आप सब इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेवे और ये इंश्योर करें कि हर घर से, आपके घर से हर कोई जाके अपना वोट डाले और सही उम्मीदवार को चुने। धन्यवाद। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार, मैं अजीत वैद, वार्ड नंबर 12, मोहन नगर पश्चिम से पार्षद। इस वर्ष दीपावली की ढेरों हजारों शुभकामनाएं दुर्गवासियों को, शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को, मेरे वार्ड नंबर 12 के सभी नन्हे नन्हे बच्चों को, माताओं को, बहनों को दीपावली की, धनतेरस की, मातर की, छठ की ढेरों हजारों शुभकामनाएं। इसी के साथ आप सभी से मेरी अपील है कि आप अपने घर के आसपास साफ सफाई स्वच्छ रखें। दूसरा चीज, बच्चों के साथ आतिशबाजी के समय परस्पर आपको रहना है, बच्चों के साथ किसी भी प्रकार से लापरवाही कुताही ना बरतें। युवाओं से करबद्ध अनुरोध है कि वो इस वर्ष किसी भी प्रकार से मादक पदार्थ का सेवन ना करें, किसी भी नशायुक्त चीज़ों का सेवन ना करें। इससे आपके घर में नुकसान होगा, घर का नाश होता है, आसपास के मोहल्ले में विवाद फैलता है,
किसी भी प्रकार का विवाद खड़ा करने की कोई भी स्थिति परिस्थिति ना करें। एक बार और मैं आप पूरे शहरवासियों को दीपावली की ढेरों हजारों शुभकामनाएं देता हूं। साथ में एक और अपील है, इस वर्ष दीपावली में चुनाव भी है, इसमें आप सभी को अपने मताधिकार का पूरा फायदा उठाना चाहिए और किसी भी प्रकार की लालसा के बगैर अपने मत का पूरा अधिकार सही और योग्य प्रत्याशी को दे करके अपने शहर के लिए योग्य विधायक चुनने में सहायक बने। ज़्यादा से ज़्यादा सभी वार्ड वाले सभी शहरवासियों से पूरे देशवासियों से करबद्ध अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा मत दें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय भीम। देशवासियों को बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी को धनतेरस, दीपावली एवं गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वाहेगुरु जी करें आप सभी के जीवन में यह त्यौहार बहुत खुशियां लेके आए। बच्चे इन त्यौहारों में पटाखों को बहुत सावधानी से जलाएं, दूर होके जलाएं। बच्चों के जो माता पिता हैं वो बच्चों के साथ खड़े होकर पटाखे जलाने में उनका सहयोग करें ताकि वह इन पटाखों की खुशियां भी ले सकें और सावधानी भी बरता सकें। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी जानते हैं कि 17 तारीख को यहां पे चुनाव हैं, आप सभी इन चुनावों में अपना मतदान जरूर करें क्योंकि मतदान करेंगे तभी अच्छी और सही सरकार हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में आएगी और हम उन अच्छी सरकार ही हमारे प्रदेश की उन्नति करेगी और हम सब आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। यह त्यौहार आप सभी के जीवन में बहुत खुशियां दे। नमस्कार, मेरा नाम अरविंदर सिंह खुराना, मैं एक उद्योगपति हूँ। दिवाली पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली हमारा सबसे बड़ा एक ऊर्जा का भी त्यौहार माना जाता है क्योंकि इस दिन बुराई को ख़त्म करके भगवान श्री राम अपने घर को पहुँचे थे और सभी लोगों ने उनका स्वागत किया था। इसी प्रकार हमारे अंदर एक ऊर्जा आती है, बचपन से सब ज़्यादा उत्सुकता एक दिवाली के त्यौहार को लेकर रखती थी, तो उसके लिए सभी भाई बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएँ। और दिवाली पर्व के साथ साथ हमारा एक और पर्व इस साल है जो कि मतदान का पर्व है, उसको भी एक सभी ऊर्जा लेकर और 17 तारीख को जाकर सभी अपने घरों से निकले और मतदान करें, अपने चुनित प्रत्याशी को आप लोग जिताएं। आप सबसे यही कामना है और हमेशा स्वस्थ रहें सभी लोग, सभी के ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे। आप सबको ढेरों शुभकामनाएँ दिवाली पर्व की। जय श्री राम। दीपावली के अवसर पर MSME जिला उद्योग संघ दुर्ग के अध्यक्ष के हैसियत से और छत्तीसगढ़ लघु सहायक उद्योग संघ महासचिव एवं अन्य जो भी पद हैं उनके तहत मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पर्व हर एक वर्ष आता है लेकिन इस बार का पर्व विशेष रूप से मनाने का एक संकल्प है। क्यों? इसमें हमारे छत्तीसगढ़ में साथ ही साथ एक चुनाव भी है
जितना महत्व दीपोत्सव का है उतना ही महत्व चुनाव भी है। तो हम दीपोत्सव पर यह भी संकल्प लें कि हमारा जो दायित्व है, जो हम चाहते हैं कि हमारा विकसित राज्य और कैसे विकसित हो, इसके लिए हमको और क्या करना चाहिए। उद्योग बहुत ही कठिन दौर से गुजरता है, व्यापार बहुत ही कठिन दौर से गुजरता है, लेकिन जब दीपावली आता है तो सारे व्यापार उद्योग ये सब एक साल में ऐसा त्योहार मनाते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और ऐसा होता भी है, ईश्वर की कृपा से ऐसा होता भी है। इसमें सब खुशी पूर्वक जो भी मन में कहीं पर तकलीफ भी हो रहा है उसको हटा करके भुला करके संकल्प ले कि हमसे अच्छा कोई नहीं है, हम सबसे अच्छे हैं, ईश्वर के उन संतान में से मैं भी हूं, मैं बहुत ही अच्छा हूं। जिस दिन आप ये सोच लेंगे उस दिन आपका दीपोत्सव होगा, उसी दिन आपका दीपावली है, उसी दिन आपका एक मतलब अच्छा समय आने शुरुआत हो जाता है। तो मैं यही आप लोग से अपील करता हूं, चाहे शिक्षा जगत में हो, चाहे उद्योग जगत में हो, चाहे किसी भी राजनीतिक फील्ड में हो, प्रदेश की खुशहाली हो, प्रदेश आगे बढ़े, उसमें हम सबकी जिम्मेदारी है तो उसको कैसे आगे बढ़ाना। इसी संकल्प के साथ मैं तमाम प्रदेश के जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ के वासी हैं उन्हें सबको आभार व्यक्त करता हूँ, आप दीपावली में आगे बढ़े और सब जितने भी संकट है दीपावली के दीप जलते ही उस संकट का विनाश हो। धन्यवाद। जय जय छत्तीसगढ़। सेवक, आप सभी को दीपावली एवं छठ महापर्व की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। दीपावली में बच्चों को फटाखे से दूर रखें और इस दीपावली पर्व को बड़े धूमधाम से परिवार सहित मनाएं। आप सभी से निवेदन है आगामी 17 तारीख को मतदान है, मतदान अवश्य करें और सभी भाई बहनों को मतदान करने की प्रेरित करें। आपसे निवेदन है इस बार का मतदान 100% हो। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय। दिवाली का पर्व हम सबके लिए एक उत्साह उमंग लेकर आता है। ये दिवाली भिलाई वासियों के लिए अपने आप में विशेष है। तो छत्तीसगढ़ अंचल में हम एक और त्यौहार मनाने जा रहे हैं और दिवाली उस त्यौहार के साथ साथ है, तो दीपावली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली आप सबके घर में परिवार में खुशियां लेकर आए। दीपों का पर्व आपके जीवन में हमेशा एक नई रोशनी, आपके जितने भी इच्छाएं हैं भगवान राम के आशीर्वाद से
सभी इच्छाएं आपकी पूर्ण हो। छत्तीसगढ़ अंचल में राज्य का हमारे चुनाव है, विधानसभा चुनाव है और वो भी पर्व के रूप में हम मनाने जा रहे हैं। मैं सभी भिलाई वासियों से, दुर्ग वासियों से ये अपील करूंगा कि सब बढ़ चढ़ कर मतदान में भाग लें। लोकतंत्र का एक महापर्व और हम सबकी भागीदारी यह सुनिश्चित करती है कि हम अपने लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। मैं आप सब से और ख़ासकर जो नए मतदाता हैं उनसे भी यह अनुरोध करता हूँ कि शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित कराएं। हम स्वयं मतदान करें, अपने परिवारजनों से मतदान करें, अपने साथ मतदान कराएं, जो भी आपके साथ जुड़ा है उसको मतदान के लिए प्रेरित करें और यही हम सबके लिए एक अच्छा संदेश होगा। निर्वाचन आयोग इसके लिए प्रयास कर रहा है। मैं पुनः दिवाली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि दिवाली का पर्व हमेशा एक उत्साह और उमंग के साथ आता है और हम जो अपने शहर में, अपने घर में जो सफाई करते हैं, एक नया माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। हमारी सबकी चाहत है कि वह सफाई अभियान हम साल भर रखें ताकि अगली दिवाली जब आए तो आपको लगे इसमें आज को सफाई की जरूरत न पड़ी। तो ऐसा शहर बनाने का हम सबको प्रयास करना चाहिए, ऐसा राज्य बनाने का प्रयास करना चाहिए कि हर दिन दिवाली लगे, वो प्रयास हमारा होना चाहिए। मैं कुछ संदेश आपके लिए देना चाहता हूँ। आए न कोई काला दिन, हर घर में खुशियाँ मने, हर घर में वो दिवाली, शुभ दिवाली। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भारत, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आज मैं पूरे दुर्ग शहरवासी, पूरे प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। धनतेरस, नरका चौदस, बड़ी दिवाली, छोटी दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, पूरे दीपावली हमारे प्रदेश में, क्या पूरे भारतवर्ष में आज इस त्यौहार बड़ी खुशी पूर्वक मनाया जा रहा है। सभी को बहुत बहुत बधाई और खुशी पूर्वक मनाएं, क्योंकि कोरोना के बाद ये त्यौहार हमारा बहुत अच्छे से लोग मना रहे हैं और बहुत ही उत्साह है लोगों के बीच में इस त्यौहार को लेकर के। और दूसरा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद जो काम किए हैं, वास्तव में तारीफ़ काबिल है। और उन्होंने बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जो जनता के बीच तक पहुंच चुके हैं। हम चाहते हैं ऐसी सरकार वापस बने और मैं उन्हें पुनः धन्यवाद देना चाहती हूं कि वे छत्तीसगढ़ में जिस तरह की संस्कृति को बचा कर रखे हैं, संस्कृति को सबके बीच में लाए हैं छत्तीसगढ़ की, उस संस्कृति को लेकर के लोगों में उत्साह है कि लोगों में भावना आई है कि वास्तव में हमें अपने संस्कार नहीं भूलने चाहिए, अपनी संस्कृति नहीं भूलना चाहिए। और लोगों के बीच में जो ये दीपावली त्यौहार रहता है, इसमें एक दूसरे से मिलने जाना आना, लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं और सब एक दूसरे से जनसंपर्क भी करते हैं। मैं पूरी जनता से अपील करना चाहूँगी, 17 तारीख को मतदान है, ज़्यादा से ज़्यादा घर से निकल करके मतदान जरूर दें, क्योंकि हमारी सरकार ने हमेशा कहा है कि मतदान हमेशा देते रहें, अपने अधिकारों का उपयोग करें। और सभी को पुनः फिर से मैं दीपावली की बधाई देना चाहती हूँ। धन्यवाद,
माननीय मुख्यमंत्री को पुनः धन्यवाद, क्योंकि छत्तीसगढ़ को हमारे 15-20 सालों बाद छत्तीसगढ़ बना, उसके बाद जब मुख्यमंत्री पहली बार हमारे माननीय भूपेश बघेल जी बने, और उन्हें उन्होंने जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं उनको मालूम है कि हमारे छत्तीसगढ़ में लोगों को क्या चाहिए, और उन्हें उसकी पुनरावृत्ति भी की है। मैं उन्हें पुनः धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मैं समाज सेविका रत्ना नारायण देव, नगर निगम एल्डरमैन दुर्गा। मैं रमेश कुमार मिश्रा, सारा शिक्षण समिति अध्यक्ष, अपने देशवासियों को, प्रदेशवासियों को दीपावली एवं छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, एवं अब इस आशा करता हूं कि आने वाले इन त्योहारों से बढ़कर भी एक त्यौहार हमारे बीच आने वाला है जो कि मतदान का पर्व है। और मैं यह चाहूँगा कि हमारे जो भी देशवासी हैं, प्रदेशवासी हैं, वो भी अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें। इन्हीं के साथ मैं पुनः दीपावली एवं छठ पर्व की शुभकामनाएँ अपने प्रदेशवासियों को देता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। शिवा मिनरल वाटर के डायरेक्टर, दिवाली के पर्व पर सभी देशवासियों एवं छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। दीपावली के पावन पर्व पर सभी पटाखे खूब जलाएं, लेकिन बच्चों को पटाखे से दूर रखें, और साथ ही साथ 17 नवंबर को मतदान अवश्य करें, एक नागरिक जागृत नागरिक होने का परिचय दें, ताकि 100% मतदान करें, ताकि हम एक अच्छे प्रत्याशी को ला सकें, और इस दिवाली के पावन पर्व पर उन्हें सभी नगरवासियों को गाढ़ा गाढ़ा बधाई, शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि सबको धन्य धान्य से संपूर्ण पूर्ण करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। दीपों का पर्व दीपावली लोगों के जीवन में खुशियाँ लेके आता है। भगवान करे हर किसी के जीवन में खुशहाली हो, कामयाबी हो, तरक्की हो। साथ ही साथ छठ पर्व, छठ महापर्व भी है, जिसमें लोग बड़ी संख्या में छठ महापर्व मनाते हैं। उन सभी को ही मेरी दिली शुभकामनाएं हैं। इसके बाद 17 तारीख को देश का महापर्व, लोकतंत्र का महापर्व है, जिसमें आप लोग अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। देश की मजबूती के लिए, देश की खुशहाली के लिए भी लोकतंत्र में अपने मत का उपयोग जरूर करें और देश को मजबूत बनाएं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार, मैं संजय सिंह,
पार्षद वार्ड 29 विद्यानगर से। आप सभी देशवासियों को दीपावली एवं छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि दीपों के इस महापर्व पर आप अपने परिवार के साथ इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाएं। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि अगर छोटे बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं तो उनके साथ कोई एक बड़ा साथ में रहे, जिसे सावधानी रख सके, उन्हें कोई दिक्कत ना हो। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी विधानसभा चुनाव है आगामी 17 तारीख को, आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि इस मतदान में आप सभी लोग जाइए और मतदान कीजिए, और लोगों को भी प्रेरित कीजिए कि इस मतदान के दिन आप अपना अधिकार को पूर्ण कर सकें और एक अच्छी सरकार बनाने के लिए आगे आएँ। पुनः आपको दीपावली एवं छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। इस पावन पर्व धनतेरस, दीपावली एवं आने वाले समय में छठ पर्व की सभी को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। और पुनः आप सभी से अपील करता हूं कि इस बार अपनी मर्जी से अपना मत दें, सही नेता चुनें, सही काम करने वाले को चुनें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। दीपावली के शुभ अवसर पे सभी युवा वर्ग, और ख़ास तौर से मैं कॉमर्स की दुनिया से जुड़ा हूँ, तो कॉमर्स के छात्र छात्राओं, CA CA CMS करने वाले और भिलाई के सभी लोगों को दीपावली की खूब सारी शुभकामनाएं। यह रोशनी का त्यौहार सबकी ज़िंदगी में खूबसूरत रोशनी लाए, और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि दिया हो, दीप हो, हर इंसान रोशनी के समीप। नमस्कार, मैं मोहम्मद अब्दुल सलीम, डायरेक्टर रूबिस फिजिक्स, जोनल मार्केट सेक्टर 10। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों, भिलाई वासियों को आने वाले दीपावली महापर्व, छठ पर्व और सभी पर्व जो हम बड़े उत्साह से मनाते हैं, उन सब की ढेरों ढेर हार्दिक शुभकामनाएं। सज्जनों, देवियों, आप सबसे निवेदन है कि हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व भी सामने है। मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूँ कि एक जागरूक नागरिक की तरह हम निश्चित अपने मतदान का प्रयोग करें, मतदान करें और अपने पसंदीदा नेता को चुनने की प्रक्रिया में सहभागी बने। लोकतंत्र में हम भी अपनी सहभागिता निभाएं। आप सब से एक बार पुनः मैं अनुरोध करता हूं और बधाई देता हूं सारे पर्वों की। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार, मैं सुमन सिंह अपनी ओर से एवं छत्तीसगढ़ बंगाली मित्र समाज, कल्याण सेवा जन जागृति संगठन, जयनगर कालीवाड़ी समिति के समस्त पदाधिकारी एवं सदस्यों की ओर से, तथा मेरे मित्र एवं पूरे परिवार की ओर से छत्तीसगढ़ वासियों को दीपों का त्यौहार दीपावली, छठ महापर्व, काली पूजा तथा आने वाले
अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। जहाँ दीपों का त्यौहार दीपावली है, उसी दिन बंगाली समाज की ओर से माँ काली की पूजा की जाती है। इस साल भी भिलाई नगर सेक्टर 6 कालीबाड़ी में माँ काली की पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप सभी सादर आमंत्रित है तथा इस पूजा के अवसर पर विभिन्न आयोजन का भी कार्यक्रम रखा गया है, उस कार्यक्रम में निश्चित रूप से आप शामिल हुए तथा इस दीपावली में जो कि फटाका फोड़ने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं, परंतु प्रशासन द्वारा कुछ नियमों को रखा गया है। मैं चाहूँगा कि प्रशासन उस दिन उन नियमों को हटाकर लोगों को उत्साहित करने के लिए, क्योंकि जिस तरह के पटाखे फूटते हैं उनके धुएं से कीड़े मकोड़े मरते हैं और आने वाले समय में उन कीड़ों के ना रहने के चलते ही लोग स्वस्थ बने रहते हैं। इसलिए प्रशासन भी इस पर ध्यान दे तथा आने वाले जो चुनाव है 17 तारीख को आप अपना मतदान देने जरूर जाए, परंतु मतदान देने से पहले आप अपने प्रत्याशी का अवलोकन जरूर करें और राजनीतिक दल को ना देखें। आज वर्तमान में जनता केवल राजनीतिक पार्टी को देख रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं हम लोग समस्याओं से जूझने के लिए मजबूर है। सभी विचारों का मंथन करते हुए मतदान जरूर करें। पुनः आप सभी को अपनी ओर से एवं मेरे समस्त मित्रगणों की ओर से आप सभी को दीपावली, दीपों का त्यौहार, काली पूजा, छठ महापर्व, जगदार्थी पूजा एवं संक्रांति के साथ आपको पुनः अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भाजपा से बगावत करके वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी जयप्रकाश यादव चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं, परंतु उनके गदाचौक स्थित मुख्य चुनाव प्रचार कार्यालय में अज्ञात लोगों ने हमला कर कार्यकर्ताओं से मारपीट की और पोस्टर बैनर पर ब्लेड चलाकर फाड़ दिया। इसकी शिकायत जयप्रकाश यादव ने सुपेला थाने में दर्ज कराई है। सुपेला थाना में मैं इसलिए आया हूं क्योंकि कल मेरे चुनाव कार्यालय के फ्लेक्स को फाड़ा गया है और नुकसान पहुंचाया गया है, मेरे चेहरे को ब्लेड चलाकर फाड़ा गया है, तो जिसके कारण से हम सभी दुखी हैं और हमने आज अपराध पंजीबद्ध करने के लिए सुपेला थाना में विधिवत शिकायत की है और हम मांग करते हैं कि जो इसमें दोषी है और जो लोग इसके पीछे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें इस निर्वाचन की प्रक्रिया से उनको निरस्त किया जाना चाहिए, जो कि चुनाव आयोग के आचार संहिता के अंतर्गत आता है। विगत दिनों मेरा एक कार्यकर्ता जब मेरे चुनाव प्रचार से घर लौट रहा था तो उसे रोककर पूछा गया कि आप कहां से आ रहे हैं और किसके साथ आ रहे हैं। जब उसने मेरा नाम बताया, उसके साथ मारपीट की गई, बुरी तरह से उसको मारा गया और उसे ये कहा गया कि बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में तो उनको प्रचार करना है, काम करना है, जयप्रकाश यादव के पक्ष में नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि अगर ऐसे लोग धोखे से भी, वैसे तो चुन के आने वाले नहीं, अगर धोखे और गलती से भी ऐसे लोग अगर सत्ता में आ जाएंगे तो इस शहर की क्या दुर्दशा होगी, इसकी कल्पना करके ही रूह कांप जाती है। जनाधार से घबराए हुए हैं और इनको ये समझ में आ चुका है कि इनकी बुरी तरह से हार हो रही है और मुझे कार्यकर्ताओं का भी समर्थन मिल रहा है और जनता का भी समर्थन मिल रहा है। ये सारी चीज़ें उसी का नतीजा है कि ये डर गए हैं और अभी 17 तारीख को जो मतदान होगा उसमें इन सब बातों का उत्तर जनता देगी, क्योंकि जनता समझ रही है कि सही कौन है और गलत कौन है। मैं बिना किसी के नाम लिए इतना ही कहना चाहता हूं कि वैशाली नगर विधानसभा की जागरूक जनता, जिम्मेदार जनता बखूबी समझ रही है कि इसके पीछे लोग कौन है। आगामी चुनाव को लेकर अब सभी पार्टियों में सरगर्मियां तेज हो गई है, जिसके चलते अब केंद्रीय नेता सहित पर्यवेक्षकों की सभी विधानसभा में दस्तक जारी है। इसी कड़ी में भिलाई के वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर से पर्यवेक्षक इंद्रदत्त लखनपाल से ग्रैंड एशियन न्यूज ने खास चर्चा की। आइए देखते हैं चर्चा के खास अंश। मैं नसीम फारूकी, आप देख रहे हैं ग्रैंड एशियन न्यूज और हम अभी बात करेंगे जो कांग्रेस के जो ICC के जो पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ पर भिलाई शहर में छत्तीसगढ़ आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपने दौरे पर आए हुए हैं। उनसे जानना चाहेंगे किस तरह से कांग्रेस की स्थिति है और क्या कुछ देखने को मिला, किस तरह से कांग्रेस को लेकर मजबूत के ये दिशा निर्देश दिए, इनसे हम बात करेंगे।
जी सर, आपका स्वागत है। हाँ, धन्यवाद जी। जी बताएं, किस तरह से आप देखते हैं कांग्रेस की स्थिति अभी किस मोड़ पर है? कांग्रेस की जो स्थिति है यहाँ पर सुखद है, और मैं समझता हूँ कि लोकसभा संसदीय क्षेत्र दुर्ग में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं और ये 8ों में ही कांग्रेस पार्टी विजय की ओर अग्रसर है। कहाँ कहाँ आपको ऐसा लगा कि आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, समन्वय बनाना पड़ेगा, किस तरह की स्थिति देखने को मिली? देखिए, जहाँ तक समन्वय की ज़रूरत है और समय की मांग है, उसमें जो हमारा भिलाई क्षेत्र वैशाली क्षेत्र है, यहाँ पर हमारा विधायक नहीं रहा है पिछले 15 वर्षों से, तो यहाँ पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और समन्वय बनाने की ज़रूरत है। पुराने और नए कार्यकर्ताओं का तालमेल बिठाकर जो है आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जैसा कि अभी जो चुनावों में भाजपा और कांग्रेस की जो सीधी टक्कर मानी जाती है, उसको लेकर आरोप प्रत्यारोप के भी दौर आते हैं, तो कहीं कहीं पर भाजपा अपने जो वादे को लेकर या फिर घोषणाओं को लेकर बातें करती, तो उसमें कांग्रेस किस तरह की बात करेगी? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस की बात है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय भाई भूपेश बघेल जी ने बहुत अच्छा काम किया इस प्रदेश में, और जहाँ एक समय पहले गुजरात मॉडल पे बात होती थी, आज पूरे देश में छत्तीसगढ़ मॉडल की बात होती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले एक वर्ष पहले जब हिमाचल प्रदेश में चुनाव थे, तो भूपेश बघेल जी हमारे ऑब्जर्वर थे और इन्होंने वहाँ पर आकर काफ़ी बड़ी सभाएं आयोजित की थी, जिसमें इन्होंने छत्तीसगढ़ मॉडल के बारे में बात की, और उसमें से कुछ बिंदु हमने अपने घोषणा पत्र में रखे, जिनको हम आज अमली जमा पहना रहे हैं। और छत्तीसगढ़ को जहाँ धान का कटोरा बोलते हैं, भिलाई इस्पात जैसा यहाँ पर एक बहुत बड़ा औद्योगिक संस्थान है, उसके चलते पूरे देश के लोग यहाँ पर सेवा देने के लिए आते हैं, तो यहाँ पर इसको मिनी भारत भी कहा जाता है। जैसा कि आपने अपने दौरे में पाटन का भी दौरा किया होगा विधानसभा क्षेत्र का, तो वहाँ पर त्रिकोणी ही देखा जाता है, अजीत जोगी के पुत्र भी खड़े हुए हैं और सांसद भाजपा से विजय बघेल भी हैं और मुख्यमंत्री का भी वो क्षेत्र है, तो क्या लगता है किस तरह से स्थिति देखे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत बनकर उभरे हैं पिछले कुछ वर्षों में, और उनके बारे में तो कोई अतिशयोक्ति ही नहीं है कि वो किसी भी तरह से घिरे हुए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है, केंद्रीय नेतृत्व, उनके ऊपर बिना वजह से उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनके पास कुछ बोलने को नहीं है। भाई भूपेश बघेल जी ने किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और प्रदेश के लिए बहुत काम किया है। आज इसी वजह से जो है केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए हैं, और उनके ऊपर कैसे फोकस किया जाए, कैसे अटैक किया जाए, ये रात दिन इसी प्रकार का ताना बाना बुना जा रहा है। जिस तरह से भाजपा कोई भी मुद्दे पे बहुत दमखम से सामने आती है, कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है, क्या कारण मानते हैं? नहीं, देखिए, दमखम क्या दिखाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो सबसे बड़ा हथियार तो उनके पास ईडी, सीबीआई, आईटी, पुलिस का और सारे संस्थानों का जो संवैधानिक संस्थान है उनका दुरुपयोग करना है। उसके चलते जो है वो किसी भी तरह से जो है सरकार बनाने की इच्छा रखते हैं, वो संभव नहीं है। इसके साथ ही आपके जो दौरा विशेष जो रहा, खासकर जैसे दुर्ग भिलाई की बात करें, तो इसमें क्या कमियां आपके द्वारा देखी गई या क्या उसको पूरा किया जा सकता है जिसका फ़ायदा कांग्रेस को मिले? देखिए, जब सत्ता में सरकार होती है और जहां विधायक अपने होते हैं, उनके खिलाफ थोड़ी बहुत नाराज़गी तो रहती है, लेकिन अभी पिछले 7-8-9 दिनों में काफ़ी इसकी भरपाई की गई है और कार्यकर्ताओं से समन्वय बनाया गया है, पुराने कार्यकर्ताओं को भी जोड़ा गया है ताकि उनको किसी प्रकार की नाराज़गी ना रहे। और कांग्रेस और ऐसा कौन सा दल है जिससे कार्यकर्ता नाराज नहीं होता? नाराज होता है, थोड़े समय की नाराज़गी होती है, जब उसको मना लिया जाता है तो वो पार्टी का काम करता है। ओवरऑल आपके हिसाब से छत्तीसगढ़ में अभी कितनी सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा? देखिए, जहाँ तक ओवरऑल की बात है वो तो मैं नहीं आपको बता सकता, लेकिन जहाँ 8 विधानसभा क्षेत्र जिस दायरे में मैंने काम किया है, वहाँ 8ों पर हम विजय हासिल करेंगे। तो ये थे इंद्रदत्त लखनपाल जी, जो कांग्रेस के पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ आए हुए थे। उन्होंने अपनी पूरी दौरे से संबंधित जानकारी दी और इनका विश्वास है कि दुर्ग विधानसभा के साथ ही 8ों विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आएगी। अब वक्त आगे का देखना होगा कि किस तरह से निर्णय आते हैं, नतीजे आते हैं। दुर्ग से मैं नसीम फारूकी। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत, आप सब बने रहिए ग्रैंड एसी न्यूज के साथ। नमस्कार।